नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। तो आपको पता है कि फेसबुक एक बहुत ही बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 2.32 बिलियन एक्टिव यूजर्स मंथली रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फेसबुक मार्केटिंग सीख लें तो अच्छी खासी हम रीसेलिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अच्छी तरह से फेसबुक मार्केट प्लेस या फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप या फेसबुक मार्केटिंग पूरी कैसे करनी है, यह आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि मेरी ये मार्केटिंग की वीडियो लगातार आ रही हैं। पिछली बार इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग की 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं। ये तीसरी वीडियो है जिसमें कि फेसबुक मार्केटिंग हम बताने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो बगल में घंटी सी दिख रही है उसको दबा दें। और सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन, जो टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 101 जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा रेफर कोड डाल सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफर कोड दिया है और आपको ये स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा है। रेफर कोड डालते ही आपको 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी डालिए और इस चीज़ का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाना है। आप अपना फेसबुक अकाउंट अपने पर्सनल नाम से ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अपने बिजनेस के नाम से अपना फेसबुक अकाउंट बनाइए। जब आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाए तो अकाउंट की जो आप एडिटिंग करो, जैसे कि उसमें प्रोफाइल डालना, उसका कवर फोटो डालना, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे प्रोफाइल में आप अपने बिजनेस का लोगो डाल सकते हो और कवर फोटो में अपने प्रोडक्ट लगा के वो एक कवर प्रोफाइल बना सकते हैं, जिससे कवर में उसे लगा सके। उसके अलावा डिटेल्स आती हैं, उनमें आप अपने बिजनेस की डिटेल, बिजनेस की वेबसाइट, अपना नंबर, अपने बारे में कि आपका क्या बिजनेस है या बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल आप वहां पर सबमिट कर सकती हो। जब आपकी एक प्रोफाइल सेट हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, बहुत सारे लोगों को अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और आपको पता होगा कि आपका कोई फेसबुक अकाउंट है तो आप 5000 लोगों को जोड़ सकती हैं। अब बात आती है कि अगर इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ना है तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में आपको अपनी आइडेंटिटी, अगर बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस की आइडेंटिटी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी फेसबुक के सामने। फिर आप कितने भी लोगों को वहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो और कितने भी लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड होंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बिजनेस के नाम से बनाना है। अगर आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या हमसे करवा सकते हैं। हम 2000 रुपये चार्ज लेते हैं रजिस्ट्रेशन का, व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रोफाइल बनाओगे बिजनेस के नाम से तो आपके 5000 फ्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद आपको और फ्रेंड ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस कंडीशन में फेसबुक आपसे आइडेंटिटी मांगेगा। फेसबुक जब आपसे आइडेंटिटी मांगेगा तो आपको बिजनेस आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के नाम से आपका अकाउंट बना हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको बिजनेस का सर्टिफिकेट फेसबुक को सेंड करना होगा और वो आपकी लिमिट को इनक्रीज कर देगी। इतना करने के बाद आपको अगला स्टेप क्या लेना है, जब आपके पे बहुत सारे फ्रेंड्स ज्वाइन कर लें तो उसके बाद आपको अपना एक फेसबुक पेज बनाना है। फेसबुक पेज में आपको जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि पूरा बिजनेस के नाम से बनाना है, बिजनेस की ब्रांडिंग होनी चाहिए, बिजनेस का लोगो होना चाहिए, बिजनेस का कवर फोटो होना चाहिए, बिजनेस की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फेसबुक ग्रुप बनाना है उसी नाम से, और एक आपको बाई एंड सेलिंग ग्रुप बनाना है उसी नाम से। तो अभी आपकी 3 चीज़ें सेट हो गई हैं, एक तो प्रोफाइल सेट हो गई आपकी फेसबुक पर बिजनेस के नाम से, एक ग्रुप बन गया और एक पेज बन गया और एक बाई एंड सेलिंग वाला पेज बन गया। एक बात हमेशा आपको फिर से एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, सभी बिजनेस के नाम से होने चाहिए, लोगो और कवर फोटो वगैरह बिजनेस के लगे होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे से सारी चीज़ें लिंक करके रखनी है। जैसे अपने फेसबुक पेज को आपको अपने व्हाट्सएप से लिंक करके रखना है, आपको अपने ग्रुप को अपने व्हाट्सएप पेज से लिंक करके रखना है,
मतलब एक दूसरे से सारी चीज़ों को कनेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि कस्टमर आपके ग्रुप पे आई तो आपके पेज पे भी पहुंच जाए, और पेज पे आई तो आपके व्हाट्सएप पे भी पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सके। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद अब बात आती है कि हाँ, हमारा फेसबुक पेज बन गया, फेसबुक ग्रुप बन गया, लेकिन हम मेंबर्स कहाँ से लाएं? तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि देखो, मेंबर्स कब आएंगे, जब आपकी फ्रेंड लिस्ट बड़ी होगी। तो आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स जितने हैं उन सभी को इनवाइट करना है, और उनको बोलना है कि आप हमारे पेज को लाइक करिए और हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। बाई एंड सेलिंग ग्रुप है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं। जब मान के चलो कि आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर दी और आपके पास 20,000 फ्रेंड हो गए, क्योंकि फेसबुक पर कोई बड़ी बात नहीं 20,000 फ्रेंड लाना, और 20,000 में से अगर आपके 4-5,000 लोग भी आपके पेज को लाइक करते हैं तो आपकी पेज की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। आपको बताऊं कि 1,000 जैसे ही लाइक आती हैं तो अपने आप पेज आगे बढ़ने लगता है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। आपको अपने प्रोडक्ट की पोस्ट, ऑफर की पोस्ट, जो भी जिस टाइप के आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनकी पोस्ट आपको करते जाना है। उसके बाद अपनी पोस्ट को आपको उन ग्रुपों में शेयर करना है, अपनी जो फेसबुक पेज पर आपने जो पोस्ट किया, जो बाई एंड सेलिंग ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, वहाँ पर आप शेयर करोगे तो लोग आपके ग्रुप में आएंगे, आपके पेज पर आएंगे और आपके मेंबर्स बन जाएंगे। इस तरीके से आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी टिप्स आपको फॉलो करनी है कि आपको पोल क्रिएट करनी है। क्वेश्चन आंसर पोल होते हैं ना, कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, और ऑप्शन आपने दे दिए कि कैजुअल बियर या कोई और, जैसे भी आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हैं। तो वहाँ पर लोग पोल में कमेंट भी करते हैं, लाइक शेयर भी करते हैं, तो उससे आपके पेज पर इंगेजमेंट ज़्यादा आता है और आपका पेज वायरल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ एक ज़्यादा बेनिफिशियल मैं मानता हूँ। अगला है जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको अगर सेलिंग करनी है तो बाई एंड सेलिंग ग्रुप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर आप सेलिंग प्रोडक्ट खुद ही डालते रहोगे तो दूसरे लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ सेलर भी आएँ और बायर भी आएँ और वो भी अपने एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि वो भी तो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके ग्रुप को, आपके पेज को आगे शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो बाई एंड सेलिंग ग्रुप कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस टॉपिक पर अपना एक आर्टिकल भी लिखा था, जो कि मेरी वेबसाइट पर है, और वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपको और चीज़ें क्या करनी है, आपको फेसबुक मार्केट प्लेस यूज करनी है। केवल आपको यही नहीं कि फेसबुक पेज वगैरह पर सेल करनी है, आपको फेसबुक मार्केट प्लेस भी साथ ही साथ यूज करनी है, इन सारी चीज़ों के साथ साथ। अगला आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पोस्ट लगातार नहीं करनी है, आपको पोस्ट की एक टाइम डिसाइड करनी है कि 2-2 घंटे बाद हम पोस्ट करेंगे और ऑफर्स रखेंगे और हैप्पी आवर्स रखेंगे, ऐसे नए नए नाम से अपने ऑफर्स रखेंगे और वहाँ पर सेल करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो फेसबुक मार्केट प्लेस पर या फेसबुक ग्रुप पर या फेसबुक पेज पर या बाई एंड सेलिंग ग्रुप पर, वो प्रोडक्ट आपको अपनी प्रोफाइल पर भी पोस्ट करते रहनी है, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये रियल में एक बिजनेस है और रियल में ये इस चीज़ में काम कर रहे हैं। अगली चीज़, आप एक ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि कस्टमर आपको अपना एड्रेस वगैरह ना दे, क्योंकि इससे क्या होता है कि इतना बिलीव सिस्टम क्रिएट नहीं होता। तो आप अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकती हैं, वहाँ पर कस्टमर्स आएंगे, आपसे बोलता है कोई कि हमारा ये ऑर्डर लगा दो, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दीजिए उन्हें और वो डायरेक्ट जाके ऑर्डर लगा सकती हैं। तो इससे एक बिलीव सिस्टम बढ़ता है कि हाँ इनकी वेबसाइट भी है और वहाँ से हम प्रोडक्ट कभी भी खरीद सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये भी होता है कि फ्यूचर में अगर आपको कभी भी टाइम नहीं मिल रहा या कोई इशू आ रहा है, तो आप अपने वेबसाइट का लिंक उन्हें शेयर कर सकती हैं, और जिससे कोई भी वहां से ऑर्डर लगा दे और उसकी डिटेल आपको मिल जाए, आप जाके रीसेलिंग एप्लीकेशन में अपने ऑर्डर सबमिट कर सको। तो ये एक अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। और फेसबुक मार्केट प्लेस में इन चीज़ों के अलावा मार्केट प्लेस क्या, फेसबुक मार्केटिंग में इन चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, यही चीज़ आती है फेसबुक मार्केटिंग में। एक तो फेसबुक पेज, दूसरा फेसबुक ग्रुप, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक प्रोफाइल, और इसके अलावा
पेड एडवर्टाइजमेंट आता है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बता के आपका टाइम खराब करना नहीं चाहूँगा कि फेसबुक पेड या फेसबुक पर बूस्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को आप ट्राई करिए और इसका रिजल्ट कैसा मिलता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देखने के लिए बाद कुछ चीज़ें मिसिंग रह जाती हैं या आपको लगती हैं कि ये चीज़ें और होनी चाहिए, आपको जो भी कमी लगती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो चीज़ इस वीडियो की आपको सबसे अच्छी लगी हो वो भी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक तो कर दोगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन का आपको बटन दिख रहा होगा रेड कलर में नीचे, उसको दबा देना जिससे कि क्या है, और उसके बाद आपका हाँ बेल आइकन और आएगा, बेल आइकन को दबा दोगे तो अगली वीडियो जब भी मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी दबाइए और जल्दी से जल्दी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।